जय कर लो बाबू भगवान जी। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन पर वचना ध्यान लाए, सब पर राम तपस्वी विराजे, इनको काशा पर तुम सा जाए। वेरी गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम टू माय व्लॉग। और मैं हूँ मुजफ्फरपुर में, जैसा कि आप सब जानते हो। आज हम जा रहे हैं किसी देवी माँ के मंदिर। कहाँ जा रहे हैं तेजस, मुझे सही सही बताओ। देवी मंदिर, कोई देवी मंदिर हम जा रहे हैं और बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। क्या नाम है मंदिर का, कुछ बताना। गरीब ना कौन सा, गरीब स्थान हम जा रहे हैं। और अभी अपनी मासी से पूछती हूँ मैं, इसको नहीं कुछ आइडिया है, और फिर मैं आपको बताती हूँ। बट बहुत ही प्रसिद्ध टेंपल हम जा रहे हैं। वी आर सो एक्साइटेड। और हम सुबह 6 बजे से उठ के अभी रेडी हो गए हैं। अभी बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, 9:30 होने वाले। और अबीर, वेयर आर यू गोइंग। और हम सब उठ गए, रेडी भी हो गए हैं। हर एक चीज आज इतनी अच्छी लग रही है, क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ। आज मैं उठी हूँ तो मुझे लग रहा है कि सारे काम 9:30 ही हो गए, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा गार्डन है मासी का। हमने खूब सारे फोटो शूट किए, अभी बहुत सारे कॉन्टेंट क्रिएट किए हैं, जो कि आपको इंस्टाग्राम रील्स पे देखने को मिलेगा। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर फॉलो कर लेना। मेरे जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं इंस्टाग्राम रील पे, मुझे ज़रूर फॉलो कर लेना। तो चलो अभी आगे आगे देखोगे, बने रहो इस पूरे व्लॉग में और जुड़े रहो। और जो नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। हम पहले चल रहे हैं देवी मंदिर। हाँ, और यहाँ का सबसे पुराना देवी मंदिर है। ओके, मानता हुआ है। हाँ, हाँ। उसके बाद चलेंगे हम लोग गरीब स्थान। अच्छा, गरीब स्थान के बाबा धाम के नाम से फेमस है गरीब स्थान। ओ, शिव जी का मंदिर है। अच्छा, मुजफ्फरपुर का फेमस। हाँ, मुजफ्फरपुर का बाबा, बिहार का फेमस। तो हम सब जा रहे हैं। और यहाँ पे पता है आप सबको, ई रिक्शा को क्या बोलते हैं, टोटो। टोटो बोलते। हमें लगा ना मौसा जी टोटो बुक किए, तो हमें लगा था कि कुछ इस टाइप का होगा। तो मम्मी कह रही है अरे ये ई रिक्शा है, हम सोचे कुछ बुक। मम्मी सोची बुलेरो टाइप का कुछ होगा टोटो। कितनी है, बड़ी गाड़ी निकालने में बहुत परेशानी होती है। हाँ, हाँ। और ये बहुत ही कन्वीनियंस है, इसमें आराम से हम जा सकते हैं। जब है ना, मतलब जी एम अंकल की अर्टिगा आई, दीदी सोची वही है हम लोग का टोटो। बाबू सबसे पहले जाके बोल दिया कि अरे मम्मी गाड़ी आ गई, चलो चलो। तब हम लोग जब नहीं उसमें बैठे तब से ये कोरोना स्टार्ट है। हम लोग गरीब स्थान साइकिल से ऐसे मजाक में चले गए थे, गलती से। लेकिन लेकिन गलती से हम लोग गए थे। उसके बाद इतना डांट सुना ना मेरे दोस्त सब, पापा तो कुछ बोले नहीं मेरे को, क्योंकि मैं बोलती गलती से। देखो कितना हुआ, मम्मी नानी के पेट में क्यों नहीं हुआ था यार। आंवला बरमासी हो। अच्छा, दो तरह के होते। तो हम आ गए हैं देवी माँ के मंदिर में। माता श्री आ गई है और सब आ रहे हैं। अब बहुत भीड़ है, आप देख सकते हो। और आइए, आप सब दर्शन किए होंगे माता रानी के। Oh,
यहाँ पे हम आए हैं सावन के टाइम पे, यहाँ बहुत भीड़ होती है। वैसे भी देख सकते हैं कितनी भीड़ है, और ये शिव जी का मंदिर है यहाँ पे बाबा, बहुत ज्यादा भीड़ है। लोगों की आस्था इधर गरीबनाथ मंदिर, शिव शंभू जी का मंदिर है ये। ये है ज्योतिर्लिंग, दर्शन कीजिए। अभी अलाउड नहीं था, मैंने कैसे कैसे आप सबके लिए ये फुटेज ली है। क्या क्या ली, बहुत सारी चीजें ले ली, माला ले रही बच्चों के लिए। अच्छा, ये नजर बंद जो होता है, नजरिया है, ठीक है। आप भी इसको पहनाते हैं दूसरे हाथ से। मैंने वो वाला लिया था ना, ये वाला घुंघरू वाला, इतना प्यारा लग रहा था। बोले बाबू पहनो तो नहीं पहन रहा है, ये वाला एक ही में पहन रहा है, दोनों में नहीं पहन रहा है, और वो एक देंगे नहीं बोल रहे हैं। वो पोखर है यहाँ का, ये भी फेमस है। तो दर्शन वर्शन हो गए हमारे बहुत अच्छे से, और अब हम मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं मुजफ्फरपुर का। और मुझे इयररिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं रास्ते में रुक गई जूस पीने, और वहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे इयररिंग्स लगी हुई थी, वो मैंने देखा, और उसमें से एक दो इयररिंग्स मैंने ली भी। 50-60 रुपीस अराउंड थे ये, और जो थोड़े बड़े वाले थे डैंगलर्स वो 150-120 ऐसे थे। जूस एंजॉय कर रहे हैं, ये भी कोई टेंपल। तो
यहाँ का बहुत फेमस है मिष्ठानपुर ना, बहुत फेमस है ना। हाँ बहुत ज्यादा फेमस नहीं, मतलब अभी नया नया खुला तो उतना भी नहीं है। अच्छा तो हम यहाँ लोग आते हैं। अच्छा नाश्ता किया क्या? तो छोले भटूरे 130, पाव भाजी 120, समोसे 4। तो आप ये देख सकते हो मेन्यू का, यहाँ पे नाश्ते अच्छे अच्छे हैं। तो हम सुबह से निकले थे तो हमें लग गई है भूख बहुत ज्यादा, तो चलो चल के कुछ खा लेते हैं। छोले भटूरे, डोसा और आलू टिक्की, ऐसा कुछ खाना है और फिर बहुत सारी एक्सरसाइज करनी है। समोसा अच्छा नहीं है ये बोल रहा है। तो हम सब आए हैं दर्शन के बाद सीधे इधर। हाँ कॉफी मंगाई है और ये कौन सा पिज्जा था? चीज गार्लिक चीज ग्रिल्ड पिज्जा। हाँ अभी बहुत कुछ आने वाला है। और क्या क्या आने वाला है? आलू सिग्नेचर विद देसी घी। अच्छा मतलब आलू टिक्की। पेस्ट्री है, रसगुल्ले हैं और ये पिज्जा। सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। वो भी आओ, सुंदर सुंदर ड्रेसेस आई हैं यार, उल्टा है उसी पे से ट्राई कर लेनी है। वाह तो ये पसंद है ना? हाँ हाँ मजाक मजाक बहुत सारी शॉपिंग हो गई। हाँ दीजिए नहीं के हाथ में। मैं हॉल वीडियो से जल्दी शेयर करूंगी आपसे कि मैंने क्या क्या लिया है। Don't forget to subscribe my channel, which is Prachi's World. Meet you next video. Bye. क्या क्या किया आपने? मैंने केक खाया। मैंने कोल्ड कॉफी पिया। केक खाया और कोल्ड कॉफी पिया। अच्छा वो जो चाट में मटर होता है वो आपको स्पाइसी लग गया। अच्छा और हमने जूडियो भी गए। हाँ। जूडियो से मम्मा ने क्या क्या लिया और ओवी ने क्या क्या लिया? मैंने कपड़ा लिया। ठीक है चलिए, बहुत तेज मेरे को प्यास लग गई, पानी पिए। बाय बाय कर दीजिए अब, बोलो बाय गाइस। बाय बाय। बाय गाइस। बाय गाइस। बाय बाय। मिट्टी प्रसाद लिया है नैवेद्यम। इसकी क्या है खास बात मौसी? इसकी खास बात ये है, ये नैवेद्यम पहले यहाँ नहीं मिलता था, ये सिर्फ साउथ के मंदिरों में मिलता था। हाँ। लेकिन अब यहाँ पे भी ये मिलने लगा है। अरे वाह। और ये कैसे है ये मिठाई? बहुत टेस्टी, बहुत ही टेस्टी। नहीं टेस्टी की नहीं, मतलब क्या प्राइस है? प्राइस इसका 400 रुपए केजी है ये। हाँ बहुत सही है यार। आप सब लोग खाएं। अच्छा है ना।